गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विषमता माधव व्लॉग। सुबह के 6:45 हो गए हैं एंड आई एम रेडी टू डू माय वर्कआउट एंड आफ्टर दैट सेम बच्चों को उठा रहा है एंड इन द मेन टाइम पहले मैं ब्रेकफास्ट नहीं, पहले मैं वर्कआउट कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैव अ ग्रेट डे। सो गाइस, वर्कआउट डन एंड द 6:00 हो रहा है शार्प। तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, देन 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं नहाऊंगी। सो फ्रेंड्स, किड्स आर रेडी टू गो स्कूल। से हाय। हाय फ्रेंड्स। एंड विकी इज आल्सो रेडी। ब्रेकफास्ट हो गया बच्चों, बच्चा पार्टी। ब्रेकफास्ट किया गुड्डू ने? यस। क्या खाया? एंड नाउ आर यू रेडी? Okay, get your bag. Bag. Mickey, aram se beta. Like to hang. Hang your bag. Okay. The kids are going. Chalo, have a great day, both Mom? Of you. Take Mom? Care. No English? Mom, no English? Huh? Mom, you English नहीं होता बड़ो। देखो एक कुछ। No English. Okay, only English? Yes. Okay, चली। And the home. ये वर्षा, get your bottle too. Okay. Hang it. Yes, good. चलिए फिर बच्चा पार्टी को बाबा करके भेजते। चलो बाय, भगवान जी को जय करके आइए। भगवान जी को जय करके आइए। Bye. Take care, Mickey. Hang your bag. भूल जाते हो रोज। पैर छुए, पैर। खुश रहो। Have a great day. Bye, auntie. Good day. नहीं भूल दिए भैया। Good day की बहुत अच्छी good है। चलो, फिर आप लोग धीरे-धीरे दोनों भाई बहन पहुंचे नीचे। चलिए फिर इनको। So friends, बच्चे तो स्कूल चले गए। अब मैं सब्जी काट लेती हूँ। आज ये ताजी अभी आई थी लौकी, तो ये लौकी आलू और प्याज की सब्जी बनाऊंगी बढ़िया, टमाटर डाल के देसी घी में तड़का लगा के मस्त सब्जी अच्छी लगती, काफ़ी टेस्टी सादी और बढ़िया सब्जी रहती है। अभी तो सुबह के 8-10 हुए तो प्रिपरेशन कर लूँ, उसके बाद अभी तो और भी काम बाकी हैं, भाई पोछा लगना बाकी, पोछा हो जाए फिर आगे के काम करने। तो आज बालों का भी हेयर वॉश वगैरह भी करने हैं, सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है। तो अभी ये देखिए लॉ, ये काम करके, ताकि फिर ये नहीं रहेगा टेंशन कि हाँ चलो यार अभी सब्जी बनानी है, कोई ख़राब तो होनी नहीं सब्जी, वो बननी दिन के लिए तो बन जाएगी आराम से, मैं बाकी के काम कर लूँगी। लौकी बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट, ताजी बिल्कुल। अरे फिर अभी सब्जी की तैयारी कर ली जाए, काट लिया जाए। तो गाइस अभी किचन में सब्जी बन गई है और अभी मैंने ये बेड वगैरह सब ठीक कर दूँ। वर्षा का टाइम 10:00 होने वाला है, तो सिट बस लेने जाएंगे वर्षा को, तो डम गुड्डू आ जाएंगी। तब तक मैंने थोड़ी रील वील बना ली एंड आज मैंने बनाई है लौकी आलू और प्याज, इन सब की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि कल से तो फिर प्याज नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा। एंड बाकी डो देखती हूँ, रिशाद रखा है नहीं है तो डो बना लेती हूँ। एंड चपाती और सब्ज़ी एंड बटर मिल्क, बटर मिल्क तो फिर समर डेज में छूटता ही नहीं है। चेक करती हूँ फ्रिज में डो रखा है या नहीं। डो बॉक्स तो निकाला, देखती हूँ डो रखा हुआ है। चलिए फिर, इतना डो काफ़ी है हम लोग के लिए, तो डो भी रेडी है, सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। चेक करती हूँ एक बार। यस, मैंने हाँ तो सब्जी भी रेडी हो गई है भैंस को। Very good, Sasha.
जो सब्जी को मैं निकाल देती हूँ इतनी सारी सब्जी भी हो चुकी है। वर्षा को आएंगी तो उन्हें कुछ चाहिए होता है तो उनके लिए मैंने थोड़े से इसके सूजी के पापड़ हैं वो भून के रखे हैं। एंड लंच में आज वो लोग इडली ले गए, इडली बनाई थी क्योंकि वर्षा तो ऑयली कुछ ऐसा नहीं लेके गए हैं, टिफिन में अलाउ भी नहीं है स्कूल में। तो बस अब ये करके मैं गुड्डू आएगी तो उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर खाना वाना खा के वैसे अपना सोएंगी। मिक्की तो एज यूजुअल वो आएंगे 2 o'clock पे। तो ये सब्जी सारी मैंने इसमें निकाल ली है, अब इसको वेस्ट नहीं करना है तो मैं कच्चे से पोस लूँगी। कढ़ाई रख देती हूँ यहाँ, अभी पानी नहीं डालूंगी क्योंकि कढ़ाई गर्म है। और इसको ये बंद किया, अरे सब्जी रेडी। अंडा अब जरा सा चलते हैं, सेट को बोलते हैं 10 o'clock हो रहा है सेट तो टाइम देख के खुद ही चले जाएंगे। अरे मैं फिर उनका वेट करती हूँ, उनके कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ वर्षा के लिए। तो अभी वर्षा के लिए कपड़े भी निकाल के रख देती हूँ। अभी कपड़े रोज़ धुलो तब भी इतने कपड़े हो जाते हैं, मैं तो खैर रोज़ नहीं धुलती हूँ, 4 days के बाद ही धुलती हूँ मोस्टली सैटरडे में। तो वर्षा के कपड़े निकाल देते हैं। तो उनके कपड़े निकल गए हैं, आएंगी तो फिर टॉवल वगैरह सब रख दूंगी, यही है बस। आज तो मार्केट भी जाना है इवनिंग में, मैं और सिटी जाएंगे देखेंगे पूजा का सामान, क्योंकि बच्चे फिर लाने नहीं देते हैं, ये लोग अपनी डिमांड करते रहते हैं, इसलिए मैं और सिटी जाएंगे पूजा का सामान लेने। बाकी घर का जो सामान जो भी था वेजिटेबल्स और बाकी किचन का या बच्चों के खाने का वो सब तो कल मिक्की और सिट गए थे ले आए, तो आज अभी जाएंगे। तब तक मैं और काम है थोड़ा सा कर लेती हूँ। आ गई है, आ रही है गाड़ी की आवाज़ आ गई तो मैं उसको लेकर आती हूँ। अरे मेरा बेबी रिलैक्स, अभी रिलैक्स रिलैक्स चेक कर लो मेरा, पूरा खाया था मैंने। हेलो कर दो सबको, हेलो गाइस। बहुत ही थकी हो रहा था, थक जाता है पूरा दिन, मैं अभी रुक जाओ मामा कर देगी, वेट वेट ना मामा। तो उसको लूज टाइट है तो लूज करा लेती, आप बता ही नहीं आपकी लूज कर देती। बैठो पहले, बैठो रिलैक्स। तो गुड्डू आ गया है, गुड्डू से आप लोग मिले, ये गुड्डू थक जाता है छोटा सा बेबी है। दो रंग की हॉलिडे मिली है, सैटरडे संडे, यस वेरी गुड। लंच फिनिश किया? हाँ। चलिए ठीक है, तो अभी गुड्डू की तरह हलचल लिए जाए, क्या किया क्या नहीं किया। सो गाइस इस समय किचन में हूँ और रोटियां बना रही हूँ, सिड और वर्षा का खाना लगा हुआ है, ये लोग खा रहे हैं। एंड सब्जी में लौकी आलू टमाटर प्याज इन सब की सब्जी बनी बढ़िया सादी और टेस्टी। एंड बटर के साथ रोटी प्लस कुकुम्बर जिसमें लेमन डाला हुआ है और ये रोटी सिर्फ को देके आती हूँ फटाफट, ये बटर लगा के गरम 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 रोटी की बात ही क्या, लेकिन खुद को तो ठंडा ही खाना पड़ता है। तो ये है सब्जी बनी टेस्टी, और मैं भी खाऊंगी इन लोगों को खिला के, मिक्की को आने में तो बहुत टाइम लग जाता है तो तब तक तो भूख के मारे कंडा हो जाते हैं, वो जब आएंगे मिक्की तब उनके लिए बनेगा चपाती गरम। तो खाते हैं एंजॉय करते हैं, आप लोग भी बनाइए खाना। ये एंट्री हो रही है बिग बॉस की, मेरे गुड आफ्टरनून गुड, हेलो सर कैसे हैं,
आइए आइए। आज तुम्हें और काम बढ़ गया। ओले क्या चीज़ काम बढ़ गया। अरे वो मैंने जर्मन की कॉपी जो बनाई थी वो पतली थी, थिन बनानी थी। रिलैक्स, कोई बात नहीं, मोटी वाली डोंट वरी। कुछ और होमवर्क भी उसमें ही करना था, मैंने पतली वाली में कर दी। तो मेरा गुदा आ गया है तो मैं गुदा थक गया, काम बढ़ गया है, लंच किया था पूरा। रिलैक्स, इतनी तेज दौड़ की क्यों आती है उस तरह से? तो हमने अपने बच्चे का जरा काम करो, भूख भी लग रही होगी ना। मम्मा फिर से हार्ट में टूना है। हाँ तो बेटा जब हम आते हैं तेज चल के तो होता है, डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए मैं बच्चे को उसको हाथ मुँह धो कपड़े चेंज वगैरह करा के सब खाना लगा दो। सो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म सोयाबीन के मोमोज और ये चटनी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी देखनी है तो मेरे YouTube चैनल विषमता माथुर व्लॉग पे जाए। ये क्या हमने बनाया? मोमोज। वाओ। और ये मैंने बड़े साइज में मोमोज बनाया है, समथिंग डिफरेंट। तो अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो मेरे विषमता माथुर व्लॉग्स YouTube चैनल विषमता माथुर व्लॉग पे जाए, पूरी रेसिपी को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड इसको अपने घर में ट्राई करें। तो अभी बच्चा पार्टी को मोमोज खाने हैं तो मैं ले चलती हूँ। टिंग टिंग, आ जाइए वर्षा मिकी। वाह, तो प्लेट्स ऑलरेडी रेडी है, मोमोज भी रेडी है। अब बच्चा पार्टी बताएगी कैसे बने। वर्षा बताएगी कि मम्मा ने मोमोज कैसे बनाए। अच्छे। यही बंदा है जो अभी खा रहा है, बाकी सब लोग खा चुके हैं, पूरे फिनिश हो गए, एक भी मोमो नहीं बचा। तो बहुत अच्छे लगे, सिट को भी बहुत अच्छे लगे, मिकी को थोड़ा मतलब वो लड़ाई करता रहता है इसलिए उल्टे सीधे बताता रहता है। वर्षा को भी बहुत पसंद है। ऑल फिनिश, अब ये सारे बर्तन डाल दिए जाते हैं। मैंने इडली केस में बनाया था तो आप जाइएगा जरूर देखिएगा रेसिपी विषमता माथुर व्लॉग में। फिलहाल अभी अपलोड नहीं हो, वीडियो करूँगी अपलोड। सो गाइस, अभी मोमोज बनाया तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 बजे से बना रही थी, लगी तो टाइम तो लगता ही है। खा पी के अभी बैठे हैं आराम से, बच्चा बैठे हैं, वर्षा अपना वो खेल रही हैं। क्या खेल रही हो? सॉसर खेल रही हैं। मिक्की का कल स्कूल है, सैटरडे पहले ऑफ होता था बट कल नहीं है तो मुझे आप लोगों को बता नहीं नहीं मैं 2 दिन की छुट्टी है। हाँ, वर्षा की सैटरडे और संडे ऑफ है, पहले मिक्की का भी सैटरडे संडे ऑफ होता था। दिखाइए पैर, और मिक्की नीचे साइकिलिंग करने गए थे तो चोट मार ली इन्होंने, दिखाइए। गेट से चोट लगी, वो गेट को बंद किया था क्योंकि उस पे साइकिल लोग लगे, तो मैं उनके दिखाइए वो होगा कुछ वो ठीक होगा धीरे धीरे, आप बैठो। हाँ तो वो ठीक हो जाएगा, तो जब खेलोगे तो लगेगी चोट, इतने सुकुमार नहीं बनना है। तो बस अब बैठी है पूजा, कल तो व्रत है सबका, नवरात्रि स्टार्ट है, तो चलिए हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। ये नौ दुर्गे अच्छे से सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, माता रानी का व्रत रखिए, पूजा करिए और सबके घर में सुख समृद्धि आए। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ नहा के, फिर क्या कहते हैं भगवान जी की अलमारी वगैरह साफ करके, मंदिर साफ करके हम सुबह की तैयारी कर लूँगी। सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, 3:30 या 4 बजे, तब जाके कहीं पूजा हो पाएगी, मिकी के जाने से पहले पूजा।